हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है स्टैंडर्ड सेवन्थ का मराठी सब्जेक्ट, जिसका नाम है रोज निशी। रोज निशी, समझ रहे हो तुम लोग? मतलब ये टॉपिक तुम लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में, मतलब कई लोगों ने मुझे कमेंट किया बाकी वीडियोज में कि रोज निशी पे बनाओ। आई मीन सीरियसली, ये कोई कहानी भी नहीं है गाइस। ओके, ये तुम लोग खुद से भी रीड करके मतलब पता कर सकते थे कि क्या है, ठीक है। फिर भी आप लोगों ने कहा तो मैं ऐसा मना तो नहीं कर सकता, आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो। तो रोज निशी कोई कहानी नहीं है गाइस, मैं इतना ही कहूँगा। इट्स जस्ट अ सिंपल सॉर्ट ऑफ टॉपिक, पता नहीं टाइम पास के लिए डाला गया है टेक्स्ट बुक पे। मुझे नहीं समझ में आता कुछ कुछ बहुत ही हार्ड तरीके से, मतलब बहुत एक लेसन डालते जो बहुत ही समझ के परे होता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स को। और मुझे भी मतलब बहुत वक्त लगता है समझने को, मतलब मुझे भी एक दो दिन लगता है एक टॉपिक को समझने, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि भाई तुरंत समझ गया बनाना, तो मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन इसमें मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज रोज निशी का मतलब मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। रोज निशी का मतलब होता है कि भाई पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, अब पर्टिकुलर आज के दिन तुम आप लोगों ने क्या क्या किया, अभी स्कूल रहेगा तो स्कूल में क्या क्या हुआ उसके बारे में उसी पर्टिकुलर डे में आप लोग, मतलब चाहे आप डायरी में लिख दो, उसको नोट डाउन करो या फिर एक कागज़ के टुकड़े में करो, तो वो होता है रोज निशी। दिन दिन का आप पूरा लिखते हो कि क्या हुआ दोस्त का, ये सब सब कुछ लिखते हो आप लोग। ओके, इज अ सॉर्ट ऑफ दिस। और रोज निशी फोकस इज ऑन अ गर्ल नेम वैष्णवी, जो खुद अपने चार दिनों जिसने अपने चार दिनों के मतलब जो जो हुआ वो सब कुछ उसने लिख मतलब इसमें मेंशन किया है, जैसे 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर एंड 17 नवंबर। ओके, चार दिनों का उस वर्णन किया गया है, वही कह सकता हूँ। मुझे इतनी कुछ खास स्टोरी लगी नहीं, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज कमेंट्स में मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया, कई लोगों ने किया, ऐसा नहीं कि एक दो ने किया, मतलब मैं बनाता भी नहीं इसे सब, ठीक है। 14 नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रंस डे, ऑब्वियसली ना चिल्ड्रंस डे होता है, इसीलिए तो यार उसने सब कुछ लिखा है वैष्णवी ने, स्कूल के मतलब स्कूल में हुआ चिल्ड्रंस डे के बारे में बताया, जहाँ पर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का मतलब बोलते ना ऑर्गेनाइज किया गया था स्कूल में, और लोग क्या क्या बन के आए थे उनमें से, मैं वही सब अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के आए थे और स्टेज पर परफॉर्म किया, और एक तो लड़की सावित्री बाई फुले जी बन के आई थी, तो ये सब बताया है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद जो चीफ गेस्ट है, चीफ गेस्ट भी है सोचो, मतलब कुछ मतलब नहीं चीफ गेस्ट रखे, चीफ गेस्ट का नाम है डॉक्टर रमेश कोटावले। ओके, उनका नाम है चीफ गेस्ट का, जो आते हैं, जो बैठे रहते हैं एंटायर पूरे इवेंट में, लास्ट में एक अपना स्पीच देते और चले जाते हैं। ओके, और लास्ट में क्या होता है स्कूल में, क्या होता है चिल्ड्रन डे के टाइम, क्या होता है आप लोगों से पैसे लेते हैं, यहाँ पर बताया नहीं है, लेकिन आप लोगों से पैसे लेते हैं और आप लोगों को ही खिलाते, वाह। तो इसमें भी लास्ट में खिलाया है, ये है 14 नवंबर की उसकी पूरे दिन की कहानी। 15 नवंबर को होता है सुगीचे दिवस, सुगीचे दिवस मतलब होता है हार्वेस्टिंग डे, मतलब ऐसा मतलब मानते हैं कि हार्वेस्ट। तो क्या हुआ कि स्कूल में मतलब ऐसा स्कूल सारे स्टूडेंट्स को मतलब ऐसे जो पाटिल सर होते हैं वो मतलब पाटिल सर है वो मेंशन किया है वैष्णवी ने, उसके जो सर होते हैं वो सारे विद्यार्थियों को खेती में लेके जाते हैं, मतलब ऐसे मतलब बहुत अच्छे से ऑर्चर्ड में लेके जाते हैं, मतलब विजिटिंग करने के फील्ड विजिट की तरह। वहाँ पर वो लोग कई प्रकार के पेड़ देखते हैं, वहाँ पर ज्वारी बराबर ज्वारी लिखा है ना, ज्वारी का मतलब खेती देखते हैं किस तरह से वो लोग मेहनत करके फसल करते हो, सब देखा। उसके बाद शेंगे जो आप लोग कहते हो वो भी, उसका भी झाड़ देखा उन लोगों ने। उसके बाद कॉटन का प्लांट वो भी उन लोगों को देखने को मिला। फिर उसके अलावा ये बोलते हैं ना अपन क्या बोलते हैं फूल सॉरी फल फ्रूट्स, जैसे कि पेरू, बहुत सारे सीताफल, आंवला, ये सब के, और बोर होते बोर, खासकर वो बोर का वो जो झाड़ होते उस पर बच्चे पत्थर मारते, कितना प्यार से लिखा है ना भाई, कुछ कुछ मतलब नहीं, स्कूल के बच्चे जा रहे पत्थर मार रहे देखो ना झाड़ पे, पत्थर मार के सारे गिर रहे और सब लोग खा रहे, भाई इसका मतलब क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आया सीरियसली। आज तो मुझे हंसी आ रही है ये सब देख के, मैं क्या तुम लोग ऐसे ऐसे टॉपिक सजेस्ट करते हो, नो प्रॉब्लम। फिर वो बोर गिरता है, सब लोग खाते हैं, कुछ लोगों को मीठा लगता है, कुछ लोगों को खट्टा लगता है, ये सब कुछ उसने वर्णन किया है। और ऐसे करते करते सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो लोग घर पे आ जाते हैं, और तब तक भी वो वैष्णवी होते उसके मुँह में वो टेस्ट मुँह में चलता रहता है। ओके, तो ये थी 15 नवंबर की उसकी कहानी। 16 नवंबर को ऑब्वियसली वैष्णवी का बर्थडे रहता है, तो वो क्या करती है, ऑब्वियसली
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग घर पे केक लाके काटते। इसकी इसके अंदर बहुत इंसानियत जाग गई। तो वैष्णवी क्या करती है, 16 नवंबर को उसका बर्थडे रहता है, तो वो जाती है किसी हॉस्टल में जहाँ पर आदिवासी के मतलब ट्राइब के लोग बच्चे आकर वहाँ पर रहते हैं, तो स्कूल के बच्चे जो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। ओके, तो ये वैष्णवी जाती है वहाँ पर, खाने की चीज़ लेके जाती है, उन्हें खिलाती है, बहुत एंजॉय करती है। और वो तब रियलाइज़ करती है, ऐसा उसने, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब वो रियलाइज़ करती है कि कैसे ये बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहकर इतना पढ़ाई लिखाई में इन लोग इंटरेस्ट रखते हैं, इन लोग इतना मेहनत करते हैं, इन लोग इतना सेक्रीफाइस करते हैं पेरेंट्स, उसको ऐसा लगा कि उसको पढ़ने का और प्रेरणा मिला। वाह, उम्मीद उम्मीद जाग गई। और 17 नवंबर में उसने कुछ नहीं लिखा, बस एक लाइन लिखा है जहाँ पर आप टेक्स्ट बुक में भी आप खोल कर देख सकते हो, पेज नंबर 45 पे, आसपासून आमची दिवाळीची सुट्टी सुरू झाली, उसके आगे कुछ नहीं है। 17 नवंबर को उसका दिवाली का छुट्टी चालू हुआ। वाह, 14 को बाल दिवस, 15 को सुगीचे दिवस, 17 को उसका बर्थडे और 18 को दिवाली का हॉलीडे। तो इस तरह से उसके चारों दिन बहुत ही, उसको मुझे लगता है उसके चारों दिन बहुत ही अच्छे गुजरे, इसके लिए उसने इस तरह से रोज़ निशि लिखा। तो दैट्स इट, मेरे लिए और कुछ है नहीं बोलने के लिए, मैं ज़्यादा और बड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, लाइक कर दो क्या जाता है, मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। और शेयर करो वीडियो अगर चाहिए तो, मेरे को, मैं कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा ये वीडियो के लिए, क्योंकि बस सिंपल स्टोरी है, फिर भी आप प्यार दिखा रहे हो मेरे को, तो प्लीज़ एक बार शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ओके, ये वीडियो को देख कर ऐसा जज मत करो कि भाई मैं ऐसे सब टॉपिक्स पर भी बनाता हूँ, बाकी वीडियोज़ भी उठाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया मैथ्स वीडियोज़ और बाकी सारी वीडियोज़। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, और डोनेट करना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो मेरा पेटीएम नंबर है, वहाँ पर जाकर आपकी मर्जी जितना भी, 1 रुपया, 5 रुपया, कितना हो सके करो, लेकिन करना है आपको प्लीज़। ओके, मैं ऐसे बैठा, मैं भी इंसान हूँ, घर मेरे को भी चलाना है थोड़ा, आप लोग भी देख लो थोड़ा, मेरी तरफ मेरे लिए थोड़ी मदद हो सकती है। और इंस्टाग्राम पे हो गाइस @DanzilFrank28, स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, उस पर जाइए, टाइप कीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया, वहाँ भी जाके आप लोग जाइए और फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड एज आई से, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।